तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी में आपको तीन पैडल नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। और जब हम चढ़ाई वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर चढ़ाई के साथ साथ आपको मालूम है कि ढाल वाली जगह भी होती है, और ढाल वाली जगह पे आपको गाड़ी किस तरीके से उतारनी है। और वहाँ पर ड्राइवर लोग जो है एक गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या होती है वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी हमारी ढाल पर उतरती है तो आपको मालूम है कि हमारी गाड़ी जो वो फ्री हो जाती है और अपने आप नीचे उतरने लगती है, इंजन को जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो क्लच दबाते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी को न्यूट्रल करके दिखा रहे हैं आपको, ये हमने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। अब हमारी गाड़ी जो है वो फ्री हो गई है और ढाल वाली जगह पर ये अपने आप चलती रहेगी। और कई बार क्या होता है, न्यूट्रल करने से जो है गियर बक्से का इंजन से कनेक्शन कट जाता है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में वजन नहीं है, आपकी गाड़ी खाली है, तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में वजन है और आपकी गाड़ी जो है ढाल पर उतर रही है तो आपको अपनी गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना है, और उतारते वक्त जो है आपको अपना क्लच भी नहीं दबाना है। आप मान लीजिए अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, मान लीजिए आप चौथे गियर में गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे कि मैं गाड़ी में ये चौथा गियर डाल दिया मैंने, और हमारी गाड़ी जो है वो हमने एक्सीलेटर अपने जो क्लच है उसको छोड़ रखा है, और हमारी गाड़ी जो वो चल रही है, तो अगर गाड़ी अपने आप भाग रही है तो सबसे पहले तो आप अपना जो एक्सीलेटर है उसे छोड़ दीजिए। जैसे कि एक्सीलेटर हम दबाते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, यूं करके गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। और उसके बाद भी अगर स्पीड पकड़ रही है गाड़ी तो आपको क्या करना है कि आपको अपना क्लच दबाना है और गाड़ी को तीसरे गियर में डाल देना है। गाड़ी में पड़ गया तीसरा गियर, और उसके बाद जब आप क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी हल्का सा जो है झटका लेगी और रेस जो है वो कम होने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है ब्रेक नहीं दबाना पड़ेगा और आपकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती है, कंट्रोल में रहेगी। और इसी को जो है क्लच ब्रेक बोलते हैं, या इंजन ब्रेक भी बोल सकते हैं आप। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ढाल वाली जगह पर जब उतारते हैं गाड़ी को तो किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लच दबाने से जो है वो इंजन गियर बक्से से फ्री हो जाता है। अगर जैसे हमने क्लच दबा लिया तो हमारी गाड़ी जो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, या हमने न्यूट्रल कर ली तो भी हमारी गाड़ी जो फ्री हो जाएगी। और ऐसा करने से आप अपनी गाड़ी को सिर्फ ब्रेक मारकर कंट्रोल करेंगे। और आपको मालूम है चढ़ाई वाली जगह पर, यानी कि जब हम पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं तो वहाँ पर कई एक मोड़ होते हैं और बार बार हमें जो है ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बार बार ब्रेक दबाने से जो है हमारा प्रेशर कम हो जाता है, और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहे, आप आराम से गाड़ी को उतार पाएँ, तो आप कभी भी क्लच को दबा के मत रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल नहीं करते हैं, लेकिन वो क्लच दबा लेते हैं और गाड़ी जो है अपने आप भागती रहती है, और बार बार वो ब्रेक दबा करके गाड़ी को धीमा करते रहते हैं। या मान लीजिए कोई मोड़ आ जाता है तो एकदम से सबसे पहले क्लच दबा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले ब्रेक दबाइए हल्के से और गाड़ी को गियर में पड़ा रहने दीजिए। अगर दोबारा ब्रेक छोड़ने के बाद आप एक्सीलेटर को दबाते हैं, आपने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी जो है आपकी चल रही है और एकदम से जो है आपको धीमी कर रही है, तो आप एक्सीलेटर छोड़ दीजिए और ब्रेक को दबाइए। तुरंत क्लच मत दबाइए, क्लच पर से पैर हटा के रखिए, और उसके बाद दोबारा जब आप फिर से रेस दबाते हैं और आपकी इंजन जो है खड़खड़ाने लगता है, या गियर बक्सा आवाज़ करता है, या गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है, तब आप क्लच दबा करके एकदम से एक गियर चेंज कर लीजिए, यानी एक गियर उतार लीजिए और उसके बाद तुरंत क्लच छोड़ दीजिए। अगर आपने क्लच दबा के रखा तो आपकी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ढाल वाली जगह पर कभी भी ये गलती आप ना करें। और ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ढाल वाली जगह पे किस तरीके से, यानी कि मतलब ढाल हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाने के बाद में जब हम उतारते हैं नीचे तो उसको ढाल बोलते हैं। ढाल वाली जगह पर कभी भी क्लच दबा के मत रखिए, क्लच को छोड़ के रखिए, और गाड़ी को न्यूट्रल मत करना। अगर गाड़ी को आपने न्यूट्रल कर दिया
तो गाड़ी आपकी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी खाली भी और आप एकदम से ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी जो है वो स्लिप मारेगी, तो उससे भी जो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन क्लच से क्या है कि क्लच से आपके पीछे के चारों पहिए जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, और अगर आप गियर में रखेंगे तो आपके चारों पहिए जो वो कंट्रोल में रहेंगे, और गियर उतार देंगे मतलब न्यूट्रल कर लेंगे तो फिर गाड़ी पीछे से आपकी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्रेक का भी इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल कम करें ढाल वाली जगह पर, और गियर को जो है मान लीजिए आप चौथे गियर में चल रहे हैं और बार बार जो है आपको आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी का इंजन जो है वो कुछ खड़खड़ाहट सी होने लगी है और गाड़ी चाह रही है कि गियर उतारें, तो आप एक गियर उतार लीजिए। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आपको दे देता हूँ। और देखिए गाड़ी कई एक दिन से खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इसमें प्रेशर जो है भरपूर है। 6 नंबर पर देखिए आपको सुई दिखाई दे रही होगी इसकी, ये देखिए, और बार बार अगर आप ब्रेक दबाते रहेंगे तो इसका प्रेशर जो है वो निकल जाएगा। जितनी बार ब्रेक दबाएंगे उतनी बार जो इसका सुई इसकी नीचे आती रहेगी वो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, और ये आप खुद भी जब कभी गाड़ी में बैठेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं गाड़ी सीखना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ भाई गाड़ी सीखने के लिए देखिए मैं वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, इसके ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, आप अपने ज़िले में अपने गाँव में अपने कस्बे में वहाँ पर जा करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से सीख सकते हैं, या किसी गाड़ी पे आप हेल्परी करके भी गाड़ी सीख सकते हैं। और जो लोग छोटी गाड़ी चला लेते हैं वो बड़ी गाड़ी भी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें 3 पैडल मैंने आपको दिखाए उसी तरीके से छोटी गाड़ी में भी 3 पैडल होते हैं। मेन चीज़ होती है स्टेयरिंग संभालने की, अगर स्टेयरिंग आपको संभालना आता है तो आप कोई सी भी गाड़ी चला सकते हैं। बड़ी गाड़ी का थोड़ा ये है कि इसकी गाड़ी की बॉडी जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप खुले मैदान में चलाइए और बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप गाड़ी चलाना बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।